ऋषिकेश की जो मूर्ति है उसमें महाराज का माधुरी भाव बहुत झलक गया है। नैनीताल से फोन आया मेरी बहू का कि मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर एकदम ही लो हो गया और कोलैप्स करने वाले हैं। मुझे लगा कि एक बार ग्राइंडर फिसला महाराज के शिवू का कान जो है पार आने वाला है। बहुत डर गया था, मैंने आँख बंद कर ली थी डर के मारे। मूर्ति स्थापित हो गई और पसंद आ गई लोगों को, तो मैंने बाकी किसी की परवाह किए बिना उसमें मैं जया विनोद सब थे। हमने हाथ उठा के जैसे नेता लोग हाथ उठाते हैं ऐसे तो वरदान मांगा था। बनाएंगे। माई मैंने किसी लेडी ने माता जी से वरदान मांगा कोई, तो माँ की उद्घोषणा देखो, उन्होंने कहा जो मैंने कहा ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महाराज जी के विग्रह जब बनते हैं कैसे उसमें महाराज जी आ जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया दादा ने आप सबको बताई। बहुत गोपनीय प्रक्रिया होती है और मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं सच में जब आपके श्री चरणों का सानिध्य पा लेता हूँ तो कुछ पता नहीं चलता कि समय कहाँ गया और कहाँ कहाँ की बातें करनी। सोच के कुछ आता हूँ कि मैं ये जानकारी करूँगा और महाराज जी जानकारी कहीं और करा। जरा देखिए महाराज जी कितने दया रूप में, कितनी कृपामयी मुस्कान लिए हम लोगों की वार्ता को सुन रहे हैं। तो मैं पहले दर्शन करवा देता हूँ। और हमने बात की कैंची धाम में क्या क्या रबुदा ने किया, कैसे कैसे महाराज जी वहाँ पधारे, पूरी कहानी आपने जानी। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी मई वो सॉरी मार्च में, क्योंकि अब अप्रैल चल रहा है ना, और मार्च में महाराज जी को फिर एक जगह प्राण प्रतिष्ठित करवाया है और वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं लिए चलता हूँ आपको ऋषिकेश में। दादा ऋषिकेश में महाराज जी की तरफ जब देखते हैं, मुझे सौभाग्य आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से मिला है, महाराज जी को जब देखते हैं तो अगर आप थोड़ी देर भी देखें तो अश्रुधारा बह निकलती है। आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश और करवाते हैं महाराज जी के दर्शन। आप देख रहे हैं परिदृश्य में और बहुत सुंदर, देखे ना फूलों से ढके हुए कितना सुंदर लग रहे हैं। तो दादा ये महाराज जी ऋषिकेश में कैसे पधारे थे, हम सबको बताने का कष्ट करें। देखिए ऐसा है, ऋषिकेश की जो मूर्ति है उसमें महाराज का माधुरी भाव बहुत झलक के आया है और मैंने कोई ऐसी मूर्ति नहीं देखी जहाँ की माँ ने स्वयं जाके 5, 6, 7 बार उसको न देखा हो। तो जब ये मूर्ति बननी शुरू हुई थी तो माँ ने कहा कि देखो बहुत अच्छी मूर्ति बनवाना। हम कम से कम प्रोजेक्टर भी ले गए थे, मैं विनोद गए थे और साथ में वो भी ले गए थे। हमने उसमें ऑर्डर शुरू किया, बनाना शुरू किया मूर्ति को। तो माँ बार बार वहाँ जाती थी। उनका मर्जी ये थी कि महाराज की मूर्ति ऐसी सुंदर बने जिसमें ललित्य भाव आए। तो जहाँ माँ स्वयं सुपरवाइज करेंगी और बीच बीच में हम लोग, मैं तो जाता रहता था, विनोद तो कैंची वाला था, लेकिन उसमें कोलाबोरेशन बहुत ज़्यादा हुआ। एक दिन क्या हुआ कि वह हम मैं विनोद मूर्ति को देखने जा रहे थे जयपुर में, तो इतने में नैनीताल से फ़ोन आया मेरी बहू का कि मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर एकदम ही लो हो गया और कोलैप्स करने वाले हैं वो। मैंने कहा देखो भाई मुझे तो शाम की 4 बजे की ट्रेन से महाराज का विग्रह देखने जा रहा है, तो तुम मुझे हर 1 घंटे में खबर देना कि पिताजी कैसे हैं। अगर जब तक कोई फाइनली हो गया तब आऊँगा, नहीं तो मैं तो मूर्ति देखने के लिए जा रहा हूँ। तो मूर्ति का बिखरा शुरू हुआ, हम गए देखने के लिए उसको। शाम को 9 बजे पहुँचे, फिर देख के आए। फिर आखिरी में जब बिखरा जो था उसमें माँ जब गई फाइनल अप्रूवल के लिए, तो माँ ने कहा कि महाराज के ये कान का जो हिस्सा है वो ठीक नहीं है, और जैसे नाराज जैसी हो गई, बोली उठा दो इसको, भेज दो, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको शिमला भेज देते हैं। अरे भाई डर गया, मैंने कहा माँ ऐसा मत कर,
उस समय मैंने विनोद को देखा, विनोद ने हाथ में ग्राइंडर, उसको कलाकार के हाथ, उसके कारीगर के हाथ में ग्राइंडर दिया और सुपरविजन करके उसने कान को थोड़ा सा जब मोल्ड करना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक बार ग्राइंडर फिसला महाराज शिवमुख का कान जो है बाहर आने वाला है। बहुत डर गया था, मैंने आँख बंद कर ली थी डर के मारे। लेकिन और 10-15 मिनट ग्राइंडिंग करके दोनों कानों की जब ठीक हो गई तो माँ ने कहा हाँ अब ठीक है, जान में जा रही है, हमने कहा ठीक हो गई। फिर वहाँ से महाराज आए, ऋषिकेश आए, सामान बाकी मार्बल का जो कंप्लीट करना था, माँ ने हमको एक व्हिप जारी किया था कि हनुमान जयंती के दिन से पहले ये मूर्ति तैयार हो जानी चाहिए और उस दिन महाराज की स्थापना करनी करनी है। तो जब ये स्थापना हुई इसकी तो माँ ने कहा कि मंदिर को तभी खोलना जबकि पुराने बुजुर्ग सब देख लें, उनके दिखाए बिना ये मंदिर को सबको विग्रह मत खोलना। तो मुझे याद है पूरन चंद जोशी, हेमचंद जोशी, प्रकाश चंद जोशी, केयर सिंह जी, लल्लू भाई, जितने भी बुजुर्ग थे उन सबको 7-8-10 बुजुर्गों को हमने अंदर रख दिया और अंदर रखने के बाद जो है हमने विग्रह को उनको दिखाया तो बड़े खुश हो गए बुजुर्ग लोग, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो। तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि ऐसे मूर्ति स्थापित हो गई और पसंद आ गई लोगों को। तो मैंने बाकी किसी की परवाह किए बिना उसमें मैं, जया, विनोद सब थे, हमने हाथ उठा के जैसे नेता लोग हाथ उठाते हैं पार्टी स्टार्ट करने में, सबने हाथ उठा के मिला के उठाए। लेकिन फिर मैं हाथ छुड़ा के सीधे माई के पास गया तो वहाँ पर माँ जो थी वो महाराज के श्री कंबल के आगे बैठी थी सिद्धासन में और छोटी माँ जो है वो आंसू पोंछ रही थी खड़े खड़े। तो उसमें हुआ क्या, ये मूर्ति जो ये जो आश्रम बना, माँ ने एक दिन कहा था महाराज से, जीवंती माँ ने, कि महाराज आप जब जब हनुमान बनाते हो अभय मुद्रा के हनुमान कहाँ दोगे। तो महाराज ने कहा था तेरे लिए 27.5 हाथ के हनुमान जी बनाऊंगा अभय मुद्रा के ऋषिकेश में। तो हनुमान जी भी बन गए थे, अर्जुनदास है, अर्जुनदास भौजा बहुत पुण्यात्मा थे, उन्होंने एक हनुमान जी जब सुना माँ का महाराज का संकल्प उन्होंने वो बना दिए। फिर ये जब शुरू हुआ ये मुठ्ठी में भाग के जब माँ के पास गया तो माँ बैठी थी और मैं भी इमोशनल हो गया, मैंने चरणों में सर रखा और रुआसा सा हो गया। तो माँ ने मेरे सर में ऐसे ऐसे हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद मुझसे बोली कि जा भंडारा कर। उस दिन हमने माँ से प्रार्थना करी थी आप बाहर मत निकलना उनको, मतलब नहीं तो सब लोग यहाँ आएंगे, हम भंडारा कहाँ खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे। लेकिन 3:30 बजे करीब माँ ने धता बताई सबको और जाके अपने दर्शन कुटी में बैठ गई। तब बड़ी छोटी सी दर्शन कुटी थी ऋषिकेश में, अब जहाँ के रहने वाले स्थान बन गया है। तो इतने में किसी माई, मैं उधर से गुजर रहा था तो किसी माई ने, माई से कोई माता जी से कोई वरदान मांगा था, माई मैंने किसी लेडी ने माता जी से वरदान मांगा कोई, तो माँ की उद्घोषणा देखो, उन्होंने कहा मुझसे क्या मांगती है, बैठा तो दिया जो चाहे मांग ले। क्या बात, ये उद्घोषणा मेरे मस्तिष्क में और हृदय में जमी हुई है, मुझसे क्या मांगती है, बैठा तो दिया जो चाहे मांग ले। तो मैंने उनको प्रेम से, मैं महाराज माँ कहता हूँ उनको, उसमें आप देखो तो महाराज की नारीत्व की झलक भी है, बड़ा सॉफ्ट उनका चेहरा है और लगता है महाराज बहुत करुणा भाव से आपको देख रहे हैं, प्रेम भाव से देख रहे हैं, हंस रहे हैं। उसी तरह से जो खड़े हनुमान जी हैं, माँ ने उनका नाम पहले हमने छाटा ये ऐसा वैसा, फिर माँ ने कहा नहीं इनका नाम रखो विघ्न विनाशक। आज तक लोग वहाँ जाते हैं। तो ये तो जो देखिए संकल्प तो महाराज का था लेकिन इसमें जो ढूंढ के जमीन निकालना, सभी को मालूम है कैसे जमीन हुई कैसे क्या, माँ पीछे पड़ गई थी सबके और उनको था कि यहाँ बने। तो ये तो महाराज का स्थान तो है ही है, वैसे माँ का भी स्थान है क्योंकि वो समर्पित महाराज से पूर्ण है और उन्होंने ही ये स्थान की वो करी है, यहाँ की प्रतिष्ठा आवाहन से हुई है। बाकी तो मेरा बनता आपको सुना दूँ जो मैंने कहा है, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हनुमान जी के आप दर्शन साथ में कर रहे हैं जिनकी चर्चा हो रही है,
पूज्य अर्जुनदास आहूजा जी ने विशेष योगदान करके ये महाराज जी की, जहाँ आपको विघ्न विनाशक माने नाम दिया और बरद हस्त आपका सिर पर होता है, वो वर देने की मुद्रा में है वहाँ पर। मुझे भी दादा के सानिध्य में वहाँ रहने का अवसर मिला। जब आपको कभी दर्शन करने का मौका मिले तो आप वहाँ पर जाइए। ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। अभी एक पक्ष लिया है कि महाराज जी मंदिरों में जहाँ विराज रहे हैं, और मैं दिल्ली की बात बता दूं तो दिल्ली में पहले जौनापुर में ही महाराज जी के दर्शन हुआ करते थे, अब जौनापुर में दर्शन है। दादा ने अभी तुरंत के तुरंत बेला रोड में भी महाराज जी पधार चुके हैं, और कई स्थान ऐसे हैं हनुमान मंदिर जहां महाराज जी के विग्रह लग रहे हैं और लगने प्रस्तावित हैं। कैसे क्या हो रहा है ये सब महाराज जी की लीला है, दादा ने बताया। बस ये ध्यान रखें, जहां भी महाराज जी का विग्रह लगाएं तो दादा ने जैसे बताया है उसी प्रक्रिया से वो हों, और अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत हो, दादा आज भी, हमने पहले लिखा था 80 वर्ष के दादा आजकल क्या कर रहे हैं, 83 वर्ष के युवा दादा हमारे आजकल क्या कर रहे हैं, तो ये आप निरंतर देख रहे हैं। माँ और महाराज जी दोनों की भूमिका हम सब के लिए आप ही निभा रहे हैं, तो मैं आशीर्वाद लेते हुए, आप मन से आशीर्वाद लेते हुए अपने को धन्य महसूस करिएगा कि दादा अपने सारे अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। चल पड़े।